नमस्कार दोस्तों, एसटेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम हितेश है और दोस्तों मैं आज आपको अपने मोबाइल को अपने सेट टॉप बॉक्स से कनेक्ट करके बताऊंगा, जिससे आप अपने मोबाइल में सारे चैनल देख पाएंगे और रिकॉर्ड भी कर पाएंगे। तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपको एक ईजियर कैप खरीदना होगा अमेज़ोन से या फिर जहाँ से भी आप खरीदना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये कुछ DVD है इसके साथ मिला हुआ, और इसके साथ में कुछ इस तरीके का ये बॉक्स आता है USB 2.0, और इसके साथ आपको एक केबल मिलता है कुछ इस तरीके का, देख सकते हैं यहाँ पर ये केबल मिलता है। और इसके साथ ये OTG नहीं है दोस्तों, ये आपको बाज़ार से ख़रीदना होगा। तो दोस्तों चलिए फ़ोन की तरफ, और चलिए कनेक्ट करते हैं अपने फ़ोन को सेट टॉप बॉक्स से। तो सबसे पहले आपका जो फ़ोन है वो OTG सपोर्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों मेरे पास है Xiaomi का Redmi 5 है, तो इसमें OTG सपोर्टेड है। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी USB कैमरा, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। और दोस्तों डाउनलोड करने के बाद में आपको बस ऐसे ही रखना है आपको, और जो OTG है आपको ये आपको डालना होगा। तो यहाँ पर मैं OTG डाल देता हूँ इसमें। तो यहाँ पर OTG डालने के बाद में जो आपको एक केबल मिलती है ईजर कैप के साथ, वो आपको यहाँ पर डालनी है इसमें। तो यहाँ पर मैं इसे डाल देता हूँ। तो जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने डाल दिए। तो अब आपको ये दूसरा वाला पिन उससे हमारे ईजर कैप से कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मैं इसे खोल के कनेक्ट कर देता हूँ। दोस्तों इसे कनेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर जो 3 ऑडियो वीडियो पिन होगी, तो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है। अब हमारे पास ये 3 ऑडियो वीडियो पिन है, इनको हमें सेट टॉप बॉक्स से जो 3 ऑडियो वीडियो पिन है इनसे कनेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जैसे आपने सेट टॉप बॉक्स में कनेक्ट की हुई है उसी तरह आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है। जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो आपको परमिशन अलाउ करनी होगी अपने फ़ोन में। तो यहाँ पर मैंने 2 बार परमिशन अलाउ कर दी है, तो यहाँ पर जो फ़ोन में सेट टॉप बॉक्स की स्क्रीन है वो आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पिन डाली जैसे ही, तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मोबाइल में आ चुकी है स्क्रीन सेट टॉप बॉक्स की। तो यहाँ पर आप इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर रिकॉर्ड का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा देता हूँ, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी आती है, तो एकदम अच्छी तरीके से चल रहे हैं सारे चैनल। मैं अब आपको चैनल चेंज करके दिखा देने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर चैनल आ रहे हैं, और जो रिमोट है हमारा वो भी काम कर रहा है, देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास सेट टॉप बॉक्स है MPG 2। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, ईजियर कैप खरीद सकते हैं। लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, अब मैं आपको MX प्लेयर में दिखा देता हूँ ये वीडियो। तो अब आपको MX प्लेयर में जाना है, और USB कैमरा कुछ ऐसा फोल्डर दिखेगा USB कैमरा, तो इसमें जाना है, और यहाँ पर न्यू वाला फोल्डर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में हमारा जो ये आ रहा है, मस्ती चैनल चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा डिवाइस है ईजियर कैप, आप ख़रीद सकते हैं और अपने यूट्यूब चैनल के लिए या फिर अपने जो डिश एंटीना को सेट करने के लिए ख़रीद सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू।